हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉसम वैली। आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। एंड टुडे इन दिस ब्लॉग आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू गाइस अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, एटलीस्ट फॉर मी इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इज़ टू ग्रो प्लांट्स। एंड जब आप उसको सीड से ग्रो करते हो ना, तब भी आपका एक अलग इमोशन अटैच हो जाता है पर्टिकुलर प्लांट्स वगैरह से। तो इस सीज़न मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया अपने बालकनी के साथ। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आपको पता नहीं होगा, मैं एक्चुअली अभी कनाडा से सिनसिनाटी मूव की हूँ यूएसए में, और मेरे जो अपार्टमेंट है उसमें मेरी छोटी सी बालकनी है और काफ़ी अच्छे से सनलाइट वगैरह वहाँ पे मुझे मिल जाती है, बालकनी में भी और थोड़े बहुत इंडोर में भी मिल जाती है। तो अभी जो आप देख रहे हो ये मोस्टली जो इंडोर सनलाइट जो आती है उसके हेल्प से मैंने काफ़ी सारे सीड्स जो हैं मेरे वो स्प्राउट होने लगे थे। और मैंने जो सीड्स यूज़ किए थे उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था और काफ़ी सारे मैंने वॉलमार्ट या फिर और भी डिफरेंट स्टोर से मैंने ख़रीदे थे, तो वो सब चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हो। एंड अराउंड ये जो टाइम था वो थोड़ा फ्रॉस्टिंग जो होता है एंड होने का वो टाइम था, अराउंड 19 मार्च के टाइम मैंने सारे अपने सीड्स को सो कर दिया था इंडोर्स। और इस तरीके से मैंने जहाँ पे इंडोर सनलाइट पड़ती है वहाँ पे मैंने ऐसे रख दिया था, थोड़ी मॉइस्चर कंट्रोल रहे क्योंकि हमारे घर पे हीटिंग और ये सब ऑन रहता था। तो मैंने उसको इस तरह से पन्नी से उसको ढक के एंड देन उसमें थोड़े थोड़े होल्स बना दिए थे ताकि उनको ब्रीदिंग होती रहे और मॉइस्चर भी कंट्रोल रहे। सो गाइज, दिस इज़ द करेंट अपडेट ऑफ आफ्टर 2 weeks। सो एज यू कैन सी लॉट ऑफ सीड हैव ऑलरेडी जर्मिनेटेड। दिस इज़ अ न्यू पॉट, आई हैव प्लांटेड इट just 4 days before, so I have to wait for like 1 week and so that it will germinate properly. I'm not getting enough sunlight and all because of the cloudy season right now. And here are the onions, look at this, how many germination has happened. Completely proud of all the seeds that they have given me lot of plants right now. So and there the little ones are mint. So guys, again after 1 week और इस तरह का सिनेरियो है मेरे करेंट बालकनी में। सो जो भी मैंने सीड्स वगैरह लगाए थे काफ़ी कुछ जर्मिनेट होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था एंड देन काफ़ी सारे लीव्स वगैरह भी उसमें आने लगे थे। लास्ट में जो आप देख रहे हो वहाँ पे मेथी सीड्स है वो भी आने लगे थे। दिस इज़ माय टमेटो एंड दिस इज़ माय पेपर, और ये भी डिफरेंट तरह का पेपर है। एंड देन दिस आर माय बीन्स एंड दिस इज़ माय पीस, और ये अनियंस है और दिस आर मेरी गोल्ड्स। सो काफ़ी सारे दिस आर कुकुम्बर्स। सो गाइस, दिस इज़ 5th अप्रैल और ये है अभी करंट सिनेरियो। और वेदर के हिसाब से मैं काफ़ी बार अपने प्लांट को बाहर रखती थी और कई बार अंदर लेकर आती थी। एंड एक बार तो बिल्कुल ऐसा मौसम आ गया था कि बाहर बर्फ़ के गोले गिरने लगे थे। एंड ये अच्छा था कि मैंने काफ़ी सारी जो भी जिसमें मैंने सीड्स जर्मिनेट किए थे वो सब चीज़ें मैंने अंदर रख दिया था, और जो भी सिर्फ सॉइल था वो मैंने बाहर छोड़ा था। और बहुत ही हेवली रेन होना स्टार्ट हो गया था, तो इस टाइम आपने ब्लॉग्स देखे होंगे हमने टेस्ला भी ले लिया था। और जैसे ही वेदर ठीक होता था मैं उसे फिर से बाहर रख देती थी क्योंकि काफ़ी सारे फ्लाइज और इस तरीके से इंसेक्ट्स वगैरह घर पे आ जाते थे, तो मैं उसे बाहर रख देती थी। एंड देन फाइनली वो दिन आ गया था जब कम्प्लीटली सनी और ऐसा डे आने लगा था, और उस टाइम मैंने काफ़ी सारे फ्लावर के प्लांट्स भी ले लिए थे ताकि
फ्यूचर में जब भी मेरे यू नो अदर प्लांट के फ्लावर्स आए तो पॉलिनेशन और ये सब चीज़ में हेल्प हो। कुछ स्पेस की कमी हो रही थी इसलिए मैंने बहुत सारे रैक्स वाले जो फर्नीचर जो ऑलरेडी एक जो प्लांट सेल्फ थे उसी तरह से एक मैंने और ऑर्डर कर लिया था तो मैं उसे अभी बिल्ट कर रही हूँ। अपने लेमन प्लांट को बड़े से इस कंटेनर पे इस बड़े से पॉट पे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है और अभी मैंने चेंज किया है इसलिए अभी मैंने इसे शेड पे रखा है। धीरे धीरे मैं इसे धूप में रखना स्टार्ट करूँगी। अदरवाइज गाइस मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। As you can see इन पत्तों को पता नहीं क्या हो रहा है और मेरे ककुम्बर में भी फ्लावर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। प्रॉबली 6 or 7 फ्लावर्स है और मैं यहाँ पे मेथी निकाल रही थी तो मैंने मेथी ऑलरेडी हार्वेस्ट कर लिया है। सो गाइज फाइनली द हार्वेस्ट डे और मैं सच बता रही हूँ सबसे लास्ट में मैंने पीज ही प्लांट किए थे एंड लिटरली सबसे पहला हार्वेस्ट जो मैं फार्म से कर रही हूँ वो मैं पीज का कर रही हूँ। ऑफकोर्स मेथी लीव्स मैंने किया था तो मेथी लीव्स वॉज द एटमोस्ट फर्स्ट बट पीज वॉज द फर्स्ट हार्वेस्ट that I did and believe me it was amazing and so tasty। उसके बाद ककुम्बर की भी जो है वो फीमेल और मेल फ्लावरिंग होने लगी थी तो मैं थोड़ा से पॉलिनेशन वगैरह में हेल्प कर दे रही थी एंड ये कुछ नए नए टेक्निक्स मैंने ट्राई किए थे जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा ककुम्बर ग्रो करने में हेल्प हुआ और बिलीव मी ये सिर्फ 4 ककुम्बर प्लांट है और जिसमें मुझे काफ़ी अच्छे हेल्दी ककुम्बर्स मिल रहे हैं और जो मैंने पीस प्लग किए थे उसकी भी क्वालिटी बहुत ही प्यारी थी। और सो गाइज दिस इज़ June 2nd और June 2nd का अपडेट ये है कि मेरे जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी हेल्दली ग्रो कर रहे हैं और काफ़ी सारे परचेज वगैरह भी मैंने किए हैं। उन सब चीज़ों का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपने प्रीवियस क्लिप्स में नोटिस किया होगा तो मैं एक कटिंग नाइफ से बोर्ड कटिंग नाइफ से मैं सभी चीज़ें प्लग कर रही थी तो इस बार मैंने एक सीजर टाइप का एक लिया था जिसमें मुझे काफ़ी आसानी से चीज़ें मैं प्लग कर सकती थी और
धीरे धीरे मैंने वीकली काफ़ी चीज़ें हार्वेस्ट और अपने किचन में यूज़ में काफ़ी चीज़ें लाने लगी थी। मैंने अनियन ग्रो किया था एंड बिलीव मी गाइज, मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि मैं कुछ 4 सीड्स डालूंगी तो उसमें से 2 सिर्फ स्प्राउट होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जितने सीड्स डाले थे वो सब के सब जर्मिनेट हुए थे और सभी अभी प्लांट में कन्वर्ट हो चुके हैं। और बिलीव मी फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, आपको जितना प्लांट चाहिए आप उतने ही सीड्स डालो, क्योंकि किसी किसी सीड्स की जो ग्रोथ होती है वो पहले हो जाती है, कोई कोई सीड्स थोड़े देर में ग्रो करता है। तो इसीलिए इनिशियल डेज में मुझे ऐसा लगा कि आई विल गेट लेस प्लांट, बट लिटरली नाउ आई हैव कंप्लीट बालकनी फिल्ड विथ ऑल टमेटोज एंड पेपर। कुकुम्बर प्लांट भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुए हैं। मैंने काफ़ी सारे जो बांस की जो लकड़ियाँ होती है वो सब मैं परचेस करके लाई थी ताकि मैं अपने प्लांट्स को एक स्ट्रेंथ दे सकूं, क्योंकि काफ़ी विंडी हो जाता है कभी कभी वेदर। और एज़ यू कैन सी, मेरा जो खीरे का पेड़ है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा मैंने इससे भी हार्वेस्ट वगैरह किया है। खीरे की क्वालिटी मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी, बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी होता है। थोड़ा सा किसी किसी में थोड़ा बिटरनेस थी, बट इट वॉज कम्प्लीटली अमेजिंग। और मेरे टमेटोज के भी बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। और मेरे जो ये बीन्स के प्लांट हैं, मैंने इससे भी काफ़ी ज़्यादा हार्वेस्ट किया हुआ है। मुझे लगा था कि मुझे और भी प्लांट्स चाहिए होगा, बट इतने में ही मुझे काफ़ी अच्छे से, मुझे जितनी रिक्वायरमेंट पड़ती है बीन्स की, मुझे इस सिर्फ एक पॉट के प्लांट से फुलफ़िल हो जा रहे हैं। इसमें अराउंड मैंने एक साथ 4 बीन्स के प्लांट लगा रखे हैं, बट मे बी नेक्स्ट ईयर मैं और भी प्लांट लगाऊंगी तो कम्प्लीटली एक राउंड की सब्ज़ी मुझे बीन से मिल सकती है सिर्फ 1-2 पॉट से। सो ये है पेपर का प्लांट, और एज़ यू कैन सी इतने छोटे से प्लांट में ही काफ़ी सारे फ्लावर्स और उससे पेपर जर्मिनेट होने के लिए भी रेडी हो चुके हैं। एंड यू कैन सी बहुत ही हेल्दी पेपर्स इसमें ऑलरेडी दिख रहे हैं। और या इसके भी मैंने, पेपर के भी मैंने आपको, अगर आपने स्टार्टिंग के क्लिप्स देखे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे पेपर के प्लांट्स भी हुए हैं। और आई कांट वेट कि कब ये पेपर्स बड़े हों और मैं उससे टेस्ट करने का मुझे मौका मिले। एंड किसी किसी टमेटोज प्लांट में भी टमेटोज भी आने स्टार्ट हो गए हैं। So yeah guys, that was it in this vlog. I hope you enjoyed watching it. और ये पूरी जर्नी थी मेरी, मेरे छोटे से बालकनी को एक ब्यूटीफुल से वेजिटेबल ग्रोइंग गार्डन में कन्वर्ट करने के लिए। इस बार मैंने काफ़ी कम प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। मे बी फ्यूचर इन नेक्स्ट ईयर मैं और भी प्लांट ग्रो करने की तैयारी में हूँ। और अनदर वीडियो विल बी ऑल अबाउट डिफरेंट अपडेट्स। आई नो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाई हूँ, तो अगर आपको इन सब्जियों में से कुछ चीज़ परचेज करना हो, वो सब चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, यू कैन चेक दैट आउट। और या गाइस, इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय। Thank you.